नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके लिए बड़ी खबर है, ये खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर लालू यादव रिम्स में हैं। चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं लालू यादव, रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। उनकी सेहत में सुधार की खबर हम आपको दो दिन पहले ही दे चुके हैं, भोला यादव विस्तार से बता चुके हैं। आज शनिवार का दिन है और शनिवार के दिन लालू यादव तीन लोगों से मिलते हैं, केवल तीन लोगों से मिलने की उनको इजाज़त है। लेकिन आज तो पाँच आदमी मिल गए, तो उसको लेकर भी विवाद खड़ा कर दिया गया। एक इतना बड़ा नेता है, राजनेता, अगर उससे सप्ताह में पाँच लोग मिल भी लिए तो कौन सी आफत आ गई है। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि आज लालू यादव से मिलने बिहारी बाबू पहुँचे हैं। जी हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा, आपने ठीक समझा, और वो भी किसके साथ? कांग्रेस के नेता के साथ। और उनके साथ और कौन थे? हेमंत थे, यानी झारखंड के शिबू सोरेन के पुत्र और जेएमएम के कहिए सर्वे सर्वा हैं। तो हेमंत और शकील अहमद खां के साथ शत्रु का लालू यादव से मिलने पहुँचना एक नया संकेत देता है, एक नए राजनीतिक समीकरण बनने का संकेत देता है। वैसे शत्रु तो लगातार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खुले हुए हैं, जब भी मौका मिलता है वो मोदी पर और बीजेपी पर हमला करना नहीं छोड़ते। पांच राज्यों में बीजेपी की हार के बाद उन्होंने जमकर लताड़ लगाई थी मोदी को और बीजेपी को, और अब वो लालू यादव से कांग्रेस नेताओं के साथ, जेएमएम के नेताओं के साथ मिलने पहुँच गए हैं। तो जाहिर है कि अब शत्रु भाई अपना मन बना चुके हैं कि अब बीजेपी से नहीं लड़ना है, अब तो चुनाव कांग्रेस से ही लड़ना है। और कांग्रेस से चुनाव लड़ना है तो बिहार में महागठबंधन है, लालू जी के आशीर्वाद के बगैर संभव नहीं है। लेकिन शत्रु के नाम पर कोई विवाद भी नहीं है, शत्रु जिस पार्टी से चाहें चुनाव लड़ सकते हैं, इतनी मांग तो उनकी हर पार्टी में है। कांग्रेस भी चाहती है कि लड़ ले, आरजेडी के लालू यादव तो उनके पुराने मित्र हैं, और जब बीजेपी को लालू से बहुत ज़्यादा परहेज रहता है तब भी शत्रु परहेज नहीं करते लालू से, और तेजस्वी यादव की तो लगातार तारीफ करते रहते हैं। तो कांग्रेस से चुनाव लड़ना है तो लालू जी का आशीर्वाद और सहमति जरूरी है। इसी को लेकर रांची में रिम्स जाकर मिले हैं, एक घंटे तक ये मुलाकात हुई है, और मिलने के बाद कहा कि कोई राजनीतिक बात नहीं हुई है, लालू के स्वास्थ्य की जानकारी लेने वो आए थे। कानूनन यही कहा जा सकता है, क्योंकि कानूनी रूप से वो तो कहेंगे नहीं कि राजनीति की बात हुई है, लेकिन स्वास्थ्य की जानकारी लेने में कितना समय लगता है, 5-10 मिनट। लेकिन एक घंटे ये मुलाकात चली है, मतलब राजनीतिक बातचीत हुई है। और ये कयास लगाया जा रहा है कि अब बिहारी बाबू का कांग्रेस से चुनाव लड़ना तय हो गया है। चुनाव पटना साहिब से लड़ेंगे या दिल्ली से लड़ेंगे ये तय नहीं हुआ है, क्योंकि खबरें तरह तरह की आती रहती हैं कि कभी कहा जाता है कि मनोज तिवारी के खिलाफ दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, कभी कहा जाता है कि पटना साहिब छोड़ेंगे नहीं। तो शत्रु भाई इस बार UPA के कैंडिडेट होंगे, चाहे वो कांग्रेस दल हो या RJD हो, लेकिन ज़्यादा संभावना कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की जताई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेता के साथ वो लालू यादव से मिलने पहुँचे हैं। आपको एक खबर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, हम हर पल ताज़ा तरीन खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।